कदवा प्रखंड अंतर्गत भरबेली पंचायत के सररिया फुटबॉल मैदान में जन अधिकार पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मधेपुरा सांसद सह जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव, वाईसी विधानसभा के पूर्व विधायक मोहम्मद रुकमुद्दीन, पार्टी के दलित महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहकोड़ा प्रमुख वकील दास, जिलाध्यक्ष नयार आलम, सुनील यादव, प्रखंड संरक्षक प्रेमचंद्र सरद उपस्थित रहकर मिलन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के नेता मोहम्मद वासिफ बबलू खान ने समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव से कहा कि राज्य में इतनी कुव्यवस्था फैली है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। राज्य में बदलाव की जरूरत है। अन्य पार्टी राज्य को बदलने की बात करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप राज्य की आज ये दुर्दशा है। राज्यों में शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया का राज कायम है। राज्य की बोली बहाली, जनता ऐसे पार्टी को 5, 10, 15, 20 वर्ष का मौका देती है, लेकिन फिर भी राज्य की व्यवस्था को बदलने में पूरी तरह सरकार नाकामयाब है। जन अधिकार पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा है जो विकास और दलाली प्रथा का खात्मा करना है। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने राज्य में एक बार मात्र 15 दिन का समय मांगते हुए कहा कि एक बार जरूरत है कि लोग हिंदू मुस्लिम गाय बैल मंदिर मस्जिद इत्यादि को छोड़कर राज्य के विकास के लिए जन अधिकार पार्टी को सहयोग करें। मात्र इतने दिनों में ही राज्य में फैली कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा माफिया, गुंडा राज, दलाली पर लगाम लगाकर राज्य में सुव्यवस्था का राज जीने का प्रयास बचपन से किया और मैं हमेशा हर इंसान का आंसू पोंछने का प्रयास किया। जितना मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने दिया, वो सब कुछ पप्पू यादव ने इस दुनिया को दे दिया। हमने हम और हमारी मैडम कभी भी एक तनख्वाह नहीं उठाता, वो सब आम लोगों की जिंदगी और उस गरीबों के बीच जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि एक बार बिहार के निर्माण के लिए आप सोचिएगा। 2020 का सपना आपका, आपसे हम उम्मीद करते हुए हम जो लोग आज जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं उसको आगे आने दीजिए।